देखो बच्चों 19th क्वेश्चन करते हैं मिलके, शाबाश आ जाओ, सुनो। देखो 19th क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हैं, ए 100 पीको फेराड कैपेसिटरी चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। क्या कह रहे हैं, एक कैपेसिटर है, जोरदार सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा इसको करने का, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सवाल एक बार करते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो बने रहो, सुनो। क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है 100 पीको फेराड, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है सर 100 पीको फेराड, ठीक है, इट चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट। इसको एक बैटरी से चार्ज किया, जो बैटरी कितनी थी बच्चों 24 वोल्ट की, कितनी थी 24 वोल्ट की। अच्छा इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू सी वी, सी क्या है 100, V कितना है 24, मतलब 2400 पीको कूलम्ब, ये क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा, चार्ज है तो बच्चों क्या आएगा कूलम्ब, ये इस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर पे। अच्छा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आगे कह रहा है इट इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 पीको फेराड। क्या कह रहे हैं कि इस बैटरी से इसको चार्ज करके ना बैटरी तोड़ दी, हटा दिया यहां से, अब इसको कनेक्ट कर दिया किससे, एक अनचार्ज कैपेसिटर से, किससे अनचार्ज कैपेसिटर से, अब इस कैपेसिटर को लाए यहां पर और इसको कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर से, ये कैपेसिटर है C2, इसकी कैपेसिटेंस है 20 पीको फेराड, ये अपना कैपेसिटर है पहले वाला, कैपेसिटेंस है 100 पीको फेराड और इस पे चार्ज कितना है 2400 पीको कूलम्ब, यानी कि इस प्लेट पर है प्लस 2400 पीको कूलम्ब और इस प्लेट पर है बच्चों माइनस 2400 पीको कूलम्ब, और ये क्या है कैपेसिटर बच्चों अनचार्ज, क्या है अनचार्ज, ये कैसा कैपेसिटर है अनचार्ज जैसा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 पीको फेराड कैपेसिटर। कह रहा है कि इस 100 पीको फेराड कैपेसिटर के अक्रॉस अब नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले कितना था 24 वोल्ट था, तो अब कितना होगा, ठीक है। देखो तो मिलके करते हैं, अब इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, वो अपने पास सवाल है। कह रहा है कि इसके अक्रॉस न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो इस, सुनो मेथड एक बार अच्छे से सुनोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू सुनना, कट करके मत सुनना, एक बार बात समझ में आ जाएगी। देखो ये अनचार्ज, ये चार्ज कैपेसिटर है, ये अनचार्ज है, तो जाहिर सी बात है कि इससे चार्ज इस पर फ्लो करेगा, ठीक है, और कब तक सर चार्ज फ्लो करेगा, तब तक चार्ज फ्लो करेगा तब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि इसका फाइनल पोटेंशियल V हो गया और इसका भी फाइनल पोटेंशियल प्यारे बच्चों क्या हो गया, V हो गया, तब तक दो इस कैपेसिटर से इस पे चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल V ना हो जाए। अब देखो एक बात तो तय है कि ये वाली प्लेट है इस पे चार्ज है प्लस 2400, ये वाली प्लेट है अनचार्ज्ड है, तो देखें अगर तो ये जो अपने पास कंप्लीट बन गई, ये जो दोनों प्लेट अपने पास कंप्लीट बनी भाई, इनका जो टोटल चार्ज हमेशा रहेगा फ्लो करने के बाद भी, वो हमेशा इन्हीं के पास रहेगा ना, मतलब कि यहां से चार्ज उड़ के यहां तो नहीं जाएगा, इसी तरह ना चार्ज इस प्लेट से उड़ के इस प्लेट पर जाएगा, क्योंकि बीच में तो खाई है गैप है, इसके बीच में भी खाई है गैप है, तो इस प्लेट से चार्ज उड़ के यहां नहीं जाएगा, इस प्लेट से चार्ज उड़ के यहां नहीं जाएगा, मतलब इनका जो टोटल चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं सर कि इनिशियल चार्ज इन पर किसके इक्वल रहेगा, फाइनल चार्ज के, किसके फाइनल के। अब इनिशियली देखो जब कनेक्ट किया था तभी अनचार्ज था, तो इन दोनों प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था सर, इस पे था प्लस 2400 और इस पे कितना था अनचार्ज, थी तो जीरो था, ठीक है, इक्वल टू क्यू फाइनल, फाइनल क्या चार्ज होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तो फाइनली इस पर चार्ज मान लेते हैं बच्चों C1 और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम मतलब V, और इस पे चार्ज मान लेते हैं बच्चों Q2 इक्वल टू C2 इनटू V, तो C2 कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस C दैट इज V, सेम दैट इज V, तो C1 प्लस C2 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा अपने पास V कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2, तो देखो बच्चों 2400 प्लस 0 क्या बनेगा 2400 बनेगा सर, इक्वल टू C1 प्लस C2, 100 प्लस 120, 100 प्लस 20 इंटू V, तो 100 प्लस 20 क्या बनेगा बच्चों 120 इंटू V, तो 2400 इक्वल टू दिस, जीरो ने जीरो को मारा, 12 से 240 20 आया, तो V क्या आ जाएगा बच्चों 20 वोल्ट।
क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 20 वोल्ट, 100 पीको फेराड के अक्रॉस भी 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 20 पीको फेराड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों 20 वोल्ट का। तो ये मेथड है, बहुत ही जोरदार मेथड है इस तरह के सवालों को करने का। यहां पर नहीं, जनरली हर जगह जहां पर हम चार्ज कैपेसिटर जोड़ दें, कैसा भी कैपेसिटर जोड़ दें, तो इस मेथड से सवाल करना कि चार्ज उड़ के इस प्लेट से इस प्लेट तक नहीं जा सकता। तो बच्चों स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।